सॉरी गाइस। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? व्लॉग की स्टार्टिंग बड़ी ही अजीब करी है मैंने। एक्चुअली मैं अपने बाल खोल रही थी तो इस वजह से, और मेरा न्यू हेयर कट कुछ ऐसा टाइप का हुआ है, व्लॉगिंग में तो आपको पहली बार ही दिखेगा, और मेरा गला ख़राब है इस वजह से थोड़ी अजीब आवाज़ आ रही है। ओह सो जोक्स अबाउट इधर उधर करते हुए, आज है जन्माष्टमी, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ, सुबह तो खैर मैं बहुत देर की उठ चुकी हूँ। क्या बोलते हैं श्रुति, तो कुछ भी बोलते रहते हैं, नाप शनाप, फॉरगेट इट माय नॉनसेंस टॉक। सो मेरी नाक ना बिल्कुल छिली पड़ी है, छिली, क्योंकि मेरे को ना इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा था ना, इतना ज़्यादा आप, मैं आपको बता नहीं सकती बिल्कुल भी। अभी तो काफ़ी बेटर है। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, तो चलो थोड़ा सा मेकअप करते करते बात करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैल मेरा मेकअप का पिटारा एक ये है, अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें ही करके रखती हूँ, अभी मैं अमीर नहीं हुई ना जो मैं वैनिटी लाऊँ। कितने गंदे हंसी हंसी हो, खुल जा भाई, जब देर हो रही होती है तभी क्यों नहीं खुलती है? तो हम मत करो मेरे साथ ऐसा भाई, रुको रुको मैं सबसे पहले आपको ठाकुर जी दिखाती हूँ। मम्मी ने अभी सिर्फ नई ड्रेस ही बनाई है वैसे तो, बट सादे वाली बनाई है। अभी मैं थोड़ा सा सामान लेके आऊँगी, मतलब श्रृंगार का, फिर मैं इनको अच्छे से इनका मेकअप वेकअप करके नई ड्रेस पहनाऊँगी। तो बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तो चलो दर्शन हो गए ठाकुर जी के, अभी मेरी क्रिंज। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ लगाऊंगी, बस सनस्क्रीन, वो भी इसलिए सनस्क्रीन इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है, तो इसलिए सनस्क्रीन से ही काम चला लेते हैं। मेरी ना आंखें भी अंदर धस गई हैं, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अंदर होंगे, सेट कर लेंगे। वैसे तो मेरी आवाज़ में गाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तो गाना भी नहीं गा पा रही हूँ मैं। ये जो सब्जी वाला आता है ना, ये इतनी तेज चिल्लाता है ना हमारे यहाँ बहुत, ये वाला मेबलिन का ना कॉम्पैक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो ही बोल ले पहले। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैं कुछ लगा रही, बस मैं ब्लश लगाऊंगी। चाहे मैं कितना भी अच्छा ब्लशर ले आऊँ, कितनी भी अच्छी आई शेडो पैलेट ले आऊँ, कितनी भी अच्छी, मतलब ब्लशर, मेरे साथ इतनी दिक्कतें हो रही हैं, मैं बोल नहीं पा रही ढंग से। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं कितनी भी अच्छी ब्लशर की किट ले आऊँ, बट मेरे को ये पुरानी अच्छी लगती है, और ये आई शेडो पैलेट है वैसे तो, मैं इसकी ये वाली शेड लगाती हूँ। पहले मैं इसकी ये वाली लगाती थी, बिल्कुल लाइट पिंक कलर की थी ये वाली, बहुत प्यारा शेड आता है इसका, बहुत ही ज़्यादा, और ये सारी टूट गई है, लेकिन फिर भी मैं इसका प्राण नहीं छोड़ती, बट मेरे को ये अच्छी लगती है। अच्छा मैं थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी ना आँखें इतने दिनों से भाई बैठ गई हैं अंदर, तो इनको थोड़ा सा उठा लेते हैं कि भाई तुम भी जिंदा हो भी, है ना तुम्हारा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, काजल लगा के ना मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन लेवल महसूस होता है। थोड़ा सा मस्कारा लगा लेती हूँ तो बस फिर मैं बिल्कुल सेट हो जाऊँगी। ये वाला मस्कारा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, पसीना इतना आता है ना मेरे को, और ये मस्कारा कभी भी मेरे से परफेक्ट लगता ही नहीं है, ऊपर लग ही जाता है। खैर छोड़ूंगी लाइट पिंक शेड की, ये वाली मेरी लिपस्टिक इतनी फेवरेट है ना, आज मैं इसको भी लेके आने वाली हूँ क्योंकि ये ख़त्म हो गई है। तो चलो भाई अब मैं तैयार हो गई हूँ, चलते हैं। तो गाइस चलो अब चलते हैं दुकान पर ठाकुर जी का थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि फिर उनको सजाना भी है और 1 बजे मेरे को जिम भी जाना है, तो मेरे को लेट हो जाएगा। और फिर मेरे को आके मार्केट भी जाना है, तो आज मैं पूरा ही ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। जा तो मैं पास थोड़ा सा ही करके, कितना प्यारा सा चेहरा कर लिया ना मैंने, इतना ही नॉर्मल अच्छा लगता है चेहरा।
और इस कुर्ती में ना मेरे को अच्छा भी लगता है अपना ये मिनिमल सा लुक। तो चलो गेट बंद कर देते हैं, हम चलते हैं दुकान पे। चलो मैं वहीं जाके मिलती हूँ। हमारा भैया होता तो कर देता, हमारी हाई पॉइंट का टाइम भी हो रहा आने का। तो मैं घर आ चुकी हूँ और सामान दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई। भाई मेरे को आते इतनी तेरा इतना सही सामान इतना महंगा आता है अच्छा ज़्यादा, बट कोई नहीं। और मैंने अब ना गैस पे चाय रख दी है क्योंकि 12 बज रहे हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं जब से एसी में लगी पड़ी हूँ। मोर पंख गिर गया, एक तो मैं ये मोर पंख लेके आई हूँ थंबनेल के लिए, ऐसा पोज किया। और ये एक ठाकुर जी के लिए ये पगड़ी है, ड्रेस भी इसी कलर की है, बड़े वाले ठाकुर जी के भी दिखाऊंगी आपको। कहने को तो ये सामान सिर्फ इतना सा है ठीक है, और ये इतना महंगा है। ये वाली माला लेके आई हूँ, ये पायल है, ये चूड़ियाँ हैं, ये दूसरी पायल है, ये बांसुरी है, ये दूसरे वाले भगवान जी की माला है, ये दूसरे वाले भगवान जी की चूड़ियाँ है, और ये बांसुरी है। दैट्स इट। अभी बस चाय पी के फटाफट से मेकअप करके फिर मुझे 1 बजे जिम भी जाना है। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। मैंने पूरा घर हवाई जहाज बना दिया है, ये देख सकते हैं आप पीछे, क्योंकि मैंने ये कूलर चला दिया है। क्योंकि यहाँ पे मैं जब मेकअप करूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको नहीं दिखा रही, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं भगवान जी को मिलाऊँगी, बाकी का सारा ना आपको गेट रेडी विद मी में मिल जाएगा। वहाँ देख लेना आप, मैं भगवान जी की आपको ड्रेस दिखाती हूँ, कितनी सुंदर है। दिस इज द ड्रेस एंड लुक एट द एम्ब्रॉयड्री, कितनी ज़्यादा प्यार। मैं सेम इसी एम्ब्रॉयड्री का वो लेके आई हूँ मुकुट, बस कलर का मेरे को थोड़ा कॉम्बिनेशन गड़बड़ लग रहा है, बट चलो कोई नहीं देखी जाएगी मेरी। एंड छोटे वाले भगवान जी की ये वाली ड्रेस है, ये वाली इनकी तो नहीं लेके आई, ये तो मम्मी लेके आई थी तो इसलिए मेरे को पता था। चलो अब जल्दी से श्रृंगार आरंभ करते हैं हम। अभी तो मैंने इनको यही पहना दिया क्योंकि उसमें हो नहीं पाता मेकअप, तो सबसे पहले मैं मेकअप कर देती हूँ तब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने मेकअप कर दिया है थोड़ा बहुत जैसा भी हुआ, पता नहीं आज ना बहुत ज़्यादा मेरे पास ना वो पतला वाला ब्रश ही है, इस वजह से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा फैल रहा है, बाकी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी चलो हम इनका श्रृंगार करते हैं। बड़े वाले ठाकुर जी तैयार करते हैं, आप ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, फोकस हो जा भाई। और ये ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है, और पायल बनाते बनाते ये थोड़ी एक टूट गई थी क्योंकि मैंने ना ये ज़्यादा खींचती थी और खींच नहीं रही थी। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं 2 जोड़ी लेके आई थी इसी वजह से। तो हमारे बड़े वाले ठाकुर जी तैयार हैं, अभी मैं इनको तैयार करूँगी। अच्छा ठाकुर जी भी तैयार हो चुके हैं, और ये वाले ठाकुर जी तो हो ही गए थे, मैंने आपको दिखाया था पहले ही। और यहाँ पे इतना सारा फैल गया था, ये इतना कूड़ा निकला है, इसको मैं साफ़ करूँगी। और ये नेल पेंट भी गिर गई थी, इसको मैंने अभी साफ़ किया है। तो अभी मैं इसको समेट लूँ सबको फिर फ़ोटो खींच के। और टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, मेरे को 1:30 बजे जिम भी जाना था, तो अभी बस फटाफट से करके जल्दी से जिम निकलते हैं। साफ़ कर दिया है, और यहाँ पे वो वाटर कलर का पानी भी गिर गया था, जब ज़्यादा जल्दी होती है ना तभी लेट होता है मेरे को, जिम जाने का मन नहीं कर रहा है। गाइज़ अब मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, 2 बज चुके हैं, 2 बजने से ज़्यादा ही हो गए हैं,
एक तो क्या कहते हैं, मैं 1:30 बजे जाती हूँ, ऊपर से अब 2 भी बज गए हैं, फिर मेरे को मार्केट पे जाना है 4 बजे, फिर मैं जिम क्या ही करूँगी। एक तो मेरी वैसे बहुत ज़्यादा छुट्टी हो चुकी है, पहले रक्षाबंधन की छुट्टी हो गई थी, अब फिर भी अब मेरे को फीवर आ रहा था, इस वजह से भी मैं 2 दिन नहीं गई। तो पता नहीं मेरा जिम जाना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं थक भी बहुत गई हूँ और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, फिर आना भी है, फिर वहाँ से आके तैयार हो तो गर्मी में इस पटे में नहीं जाती हूँ, और फिर अभी कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे जिम के लिए, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ आज, वैसे व्रत है मेरा। अब मैं थोड़ा 1 घंटा सो जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे उठने के बाद। बाय बाय। थोड़ी देर बाद उठ के, मतलब सो के उठ चुकी थी मैं, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट निष्ठा दीदी के साथ, और यहाँ मैंने व्रत की नमकीन ले लिया है, अभी इनसे खाते खाते जाऊँगी जहाँ पर वो मेरे को मिलेंगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो चलो वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। तो यहाँ मुझे निष्ठा दीदी भी मिल चुकी थी और हम पहुँच चुके थे मार्केट। ये हमारे मुजफ्फरनगर की मिलैडी मार्केट है, यहाँ पे एक से एक फैब्रिक मिल जाता है, आप इससे साड़ी सूट ड्रेसेस कुछ भी बनवा सकते हैं। तो हम एक साड़ी बनवाने के लिए फैब्रिक ले रहे थे, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूँगी हमें किस तरीके की साड़ी बनवानी थी। वाइट कलर की साड़ी का हमने ये वाला फैब्रिक लिया था जो कि 220 रुपये मीटर हमें पड़ा, करीब 1100 रुपये का। और ब्लू कलर का ब्लाउज हमें ये मिला, ये कुछ 300 रुपये मीटर था शायद। मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे आते ही मैंने बनाया है रोड सॉ, क्योंकि मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी भी और बहुत ज़्यादा धूप भी, तो चाय वाय मेरा पीने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए बनाया है रोड सॉ। बड़ा मस्त लगता है मुझे, ड्रिंक से एक फ़ायदा होता है, एक तो ठंडक मिलती है और पेट भी भर जाता है और ताकत भी आती है। भाई यहाँ पे सारे बच्चे तैयार हो गए हैं, राधा कृष्ण बन रहे हैं कोई, ये हमारी गली का हाल है कुछ। अभी यहाँ पे बहुत सारे जने थे, जैसे मैं बाहर आई ना सब बाहर निकल गए, मतलब बाहर नहीं निकले, सब गायब हो गए। मम्मी ने बनाई है इतनी सारी चीज़ें, ये है गोले का पाग, इसके अभी पंजीरी जमाएंगे, मतलब गोले का बनता है, और इसको काट काट के अच्छे से बर्फ़ी वाली शेप देंगे। यहाँ पे मटरी और ये बेसन के लड्डू बना दिए मम्मी ने। इधर ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी सी बनाई सूती चीनी तो मैंने ज़्यादा डाल दी यहाँ, क्या होगा पूरा डालू मावा। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, आपको लग रहा होगा मेरे को पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं मेरा 24 घंटे इतना ही ऑयली चेहरा रहता है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं हर वक्त ऑयली चेहरा रहता है मेरा, पता नहीं कहाँ से तो मेरी स्किन ऑयली हो गई है, मेरी कभी भी स्किन ऑयली नहीं थी। खैर क्या ही बताऊँ, तो सारी मिठाइयाँ बन चुकी हैं और इस टाइम बन रही है मखाने की खीर। अब बज चुके हैं 10:30, आपको भजन की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, हमारे घर के पीछे मंदिर है तो वहाँ पे भजन बज रहे हैं। ये मैंने लिप बाम लगाई है थोड़ी सी, क्योंकि होंठ मेरे फट रहे थे बहुत ज़्यादा। और सारी मिठाइयाँ बन चुकी है, मावे के पेड़े बने हैं और गोले का पाग बना है, मैगी का पाग बना है और बेसन के लड्डू, वो तो मैं सब आपको दिखाई दिया था। अभी खाने का खाना मैं बताऊँगी पूरा क्या, फूटू की पकौड़ी और दही रायता वही सब बनेगा, और मखाने की खीर तो बनी रही है। तो खाना मैं बनाना स्टार्ट करूँगी 11:30 बजे करीब, क्योंकि तभी बनाने में फ़ायदा है। अब देख सकते मेरे को कितना ऑयली चेहरा हो गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रही है इतना। अभी पंचामृत भी बनाएंगे भोग के लिए, रात के 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा तो उसके लिए,
तो चलो, इतना ही सब कुछ बताना था। अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय बाय। इधर आलू मैंने छील लिए और इधर खीर बन रही है मखाने वाली। मैं जा रही हूँ छत पे जल देने, 12 बज चुके हैं और अभी अभी आई थी बारिश। चांद या तारा तो देखना मुश्किल ही है। मैं आपको सबसे पहले मंदिर दिखा के आती हूँ। यहाँ पे प्रसाद का भोग लग रहा है, अब सब प्रसाद ले लेके जा रहे हैं। बादल हो रहा है सारी जगह, तो अभी मैं जल्दी देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पकौड़ी भी बनने स्टार्ट हो गई है, उधर मम्मी ने भोग लगा दिया है। तो फाइनली 12:30 बजे मैं खाना लेके बैठ चुकी हूँ और मैंने मिठाई में सिर्फ एक पेड़ा लिया है क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है मीठा खाने की। मैं पक चुकी हूँ मीठा खा खा के, इस वजह से मैं सिर्फ एक पेड़े से व्रत खोलूँगी। ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो, और इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो बाय बाय।